गाइस, वेलकम टू एम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अभी जो है आप लोग को जैसे पता है कि भाई आए हुए हैं, तो हम जा रहे हैं हम भाई नानों से मिलने, और फिर जो है वो उसके बाद देखेंगे कि हमारा क्या प्लान है, तो फिर आपको सारा दिखाएंगे, तो स्टे ट्यून। और अभी जो है वो भाभी, मैं, मामा और भाई जा रहे हैं, तो ओके स्टे ट्यून। तो अभी जो है वो भाभी नहीं आई, तो अब आज जो है हमने बनवाई है हलीम, क्योंकि भाई आए हुए हैं तो उनकी वजह से बनवाई है, और भाई ने भी कहा कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, और तो इस वजह से जो है वो हमने बनवाई है। तो घर आके वो हम खाएंगे, और जो है अभी तो हम जा रहे हैं। अभी भाई पूछ रहे थे कि वो जो मटकों वाली जगह होती है जहाँ पे कुजियाँ वगैरह मिलती हैं या घर मिलते हैं चिड़ियों के, वो कहाँ पे होते हैं। हम एक दफ़ा क्योंकि मामा और भाई गए थे लेने, तो जो है ना इस वजह से वो पूछे थे। गाइस, ये जो नज़र आ रहा है ना, ये मामा ने खाद के लिए पत्ते रखे हुए हैं। हुआ इनके साथ ये है कि रात को बहुत ज़्यादा तूफान आया था, मैंने शॉर्ट वीडियो में जैसी डाली थी ना बारिश और तूफान, वैसा रात को भी आया था, तो इससे ये गिर गया नीचे। अभी जो है वो अंदर चलते हैं। भाई को मामा ने बता दिया था कि वो कौन सी जगह थी। मैंने तो बताया था वो जहाँ से हमने ये वाले जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ना, जिसके अंदर उन्होंने अपना घोंसला बनाया, मैंने वो जगह बताई थी, लेकिन मामा कहते वो बहुत आउट ऑफ द वे है, तो इसलिए जो है वो सीधा सीधा है, तो इस वजह से जो है वो उधर का मैं बता रही हूँ। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। हम ना नानों के घर आ गए थे, तो यहाँ पे ना बड़े मजे मजे की बातें हो रही थी, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। ये सही है यार, लेन देन से प्यार और बढ़ता है। आप आंटी के लिए सुनिए, जो तू आंटी को लू। सही बात है। यहाँ पे हम ना चाय पीने लगे हैं, और ना मामा पहले जो है जो आंटी के पास होती है हेल्पिंग हैंड, उनसे बात कर रही थी कि जब वो होती है ना तो हमें फिक्र नहीं होती आंटी की, क्योंकि वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। गाइस, तो हम आ गए हैं घर, और पीछे आपको नजर आ रही है हलीम। ये बनी है हलीम, और अभी हम जो है वो खाने लगे हैं। ये देखें, भाभी और भाई जो है वो ऊपर ले गए हैं, और जो गेस्ट आए हैं भाई, वो मामा और मैं खाने लगे हैं। बड़ी यमी यमी लग रही है। तो अभी खाना खाकर मैंने कर लिया है चेंज, और अब मामा जो है वो बनाने लगी हैं अपने पर्सनल चैनल की वीडियो, तो जो है अभी मैं वहाँ जा रही हूँ, उनकी जो है वो वीडियो बनवाऊंगी, और फिर जो है वो एडिटिंग करके तो वो जो है वो डालूंगी। कई दफ़ा ये होता है कि उनकी वीडियो को एडिट नहीं करना पड़ता, वो एक ही शॉट में जो है वो कर देती हैं। पंखा वगैरह भी बंद होता है, एक जगह पे बैठना होता है, तो उसकी वजह से जो है वो आवाज़ का भी डिस्ट्रॉशन वगैरह का मसला नहीं होता। सिर्फ जो है वो मैंने शुरू में उनका जो लोगो है चैनल का वो लगाना होता है। तो अभी जो है वहाँ चलते हैं, और आज बड़ा मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। जो है नानो भी बड़ी खुश थी भाई की वजह से, और जो है बड़ी फनी फनी बातें हुई। ओ गाइस, उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अगले ब्लॉग में मिलेंगे। ओके, खुदा हाफिज़। और एक बात, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और जो है वो नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस हर एक मिलती रहे। बाय।